जरा गौर नाल देखो काले कपड़े विच मूं लुको के पुलिस नाल खड़े इस शख्स नूं जिस दे कारण मेरी कथा सुन के तुसी वी दंग रह जाओगे। दरअसल पुलिस की गिरफ्त आए इस व्यक्ति ने अपने साथियों नाल मिलके एक प्रवासी भारती की कोठी विचों भारी मात्रा विच हथियार अते गोलियां चोरी करन तो बाद इन्हां हथियारां नूं बेचण दी फिराक विच जलंधर आया सी, जिसनों थाना डिवीजन नंबर 38 पुलिस ने काबू कर लिया, जबकि इस व्यक्ति का दूसरा साथी भजन विच कामयाब हो गया। इस मौके पुलिस अधिकारियों ने दसिया कि दविंदर सिंह अते उसका साथी सुखजिंदर सिंह सोढ़ी एक प्रवासी भारती की कोठी विचों चोरी की वारदात को अंजाम देने तो बाद चोरी किए हथियारों जलंधर विखे बेचने ले आए सन। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उन दोवां व्यक्तियों पासों 17 गोलियां डबल बैरल की गन 32 बोर पिस्टल 258 गोलियां बरामद कीतियां। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उक्त व्यक्तियों खिलाफ वक्त धारा तहत मामला दर्ज करके दूसरे व्यक्ति की भाल तेज कर दी है। सानू एक मुखर खास ने सलाह दी थी कि जगपालपुरा जो कि पुलिस स्टेशन रावल पिंडी विखे पैंदा है उहदे उत्थे गुआंढियां दे घरे जिहड़े कि NRI हन कनेडा विखे रह के रह रहे हैं इंद्रदीप सिंह सन ऑफ जिहड़े दविंदर सिंह हन इन्हां ने जिहड़ी है उत्थे चोरी की है। चोरी दे विच उन्होंने असला भी लिता है अते वो असला जिहड़ा है इधर लैके घूम रहा है ते वो बेचण दी कगार विच है किते। तो इस दौरान ही साढ़े उत्थे नाका लगा हुआ है। नाके दौरान इन्हें रोक के मुलाजमान ने पूछगिछ की है। पूछगिछ के दौरान ये कोई भी अपना असले का लाइसेंस प्रोड्यूस नहीं कर पाया, तो ये खिलाफ़ जी बनती कानूनी कार्रवाई अमल में जाती है। दौराने रिमांड ये को एक डबल बैरल गन तो बरामद की ही, इस अलावा 0.32 रिवॉल्वर से ये जोड़े 258 राउंड जी डबल बैरल गन थी उन्होंने 17 राउंड बरामद किए हैं। इन्हों का जोड़ा सहपाठी जो सह दोषी है वह नाम हैगा जी सुखजिंदर सिंह उर्फ सोढ़ी, जिसके खिलाफ़ पहला भी काफ़ी मुकदमे हैं रावल पिंडी विखे भी हैं होर भी थाने हैं। ये एक्सकाउंडर ये घर रेड मारी जोड़ा नहीं मिला ये इनू फड़न वास्ते जी छापेमारी की जा रही है। तो जोड़े फड़े हुए अपने दोषी हैं इन्हों रिमांड रखा हुआ है, मान्य अदालत पेश किया जाऊगा। अगली कार्रवाई अमल से लिया जाऊगा।